नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मद कुमार सिंह राजा सर आज यहां पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैथ यानी कि गणित। ठीक है, और ये हमारी कक्षा 6 की क्लास है और जो लेक्चर है हमारा वो आपका 12वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 11 लेक्चर आपको और पढ़ाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें आगे अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चैप्टर जो भाई हमारा है वो हमारा तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है, इंटीग्रल्स जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगर लेसन तीसरे की बात की जाए तो ये शायद तीसरा जो है तीसरे चैप्टर का ये लेक्चर 2 माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक ही लेक्चर तीसरे का लिया है, पार्ट तीसरे का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाया करूँगा तो समय से आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए चलते बेटा। देखिए यहाँ पर आपको जो है एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमको सीखना क्या है पहले तो वो समझिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो दिशाएं होती हैं, जीरो जो होता है, पूर्णांक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरे जो आपके होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरे अगर हम बात करें तो जीरो जो होता है इसको भी पूर्णांक माना जाता है। बट ना ये तो धनात्मक होता है और ना ही ये जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अच्छा आप अगर बात करें कि जीरो क्या होता है, तो जीरो भाई इनके मध्य में आता है। ठीक है, इनको डिवाइड करने वाली एक जैसे समझ लीजिए कि लाइन समझ लीजिए, बॉर्डर समझ लीजिए, जीरो को माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर दिशा की बात करें तो यहाँ पर ज़रा गौर करें आप लोग, ये जो ऊपर वाली दिशा होगी ये वाली, ठीक है ना, ये तो भाई जो आपकी होगी वो धनात्मक होगी। ठीक है, और इसके नीचे वाली जो दिशा होगी ना आपकी ये वाली, ठीक है, ये जो होगी वो आपकी ऋणात्मक होगी। और यहाँ अगर हम इस ओर जाते हैं यानी कि राइट हैंड पर, तो ये दिशा आपकी धनात्मक होती है, और अगर हम इसी के जस्ट विपरीत जाते हैं तो ये जो आपकी दिशा होगी वो ऋणात्मक होगी। अब हम क्या समझें, यानी कि अगर आप ऊपर की ओर चलते हैं तो वो साइन जो होगा वो आपका होगा प्लस का, अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो जो साइन होगा वो माइनस का होगा, अगर हम राइट हैंड की ओर जाते हैं आपके तो प्लस की संख्याएँ प्राप्त होगी, अगर लेफ्ट हैंड की ओर जाते हैं तो ये माइनस की संख्याएँ प्राप्त होगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमको सीखना क्या है वो समझिए। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम में ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये भाई सीढ़ी है। ठीक है, ये आपकी सीढ़ियाँ हैं जो इस दिशा में आपकी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो जब हम सीढ़ियों पर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो आपका चिन्ह लेंगे वो कौन सा लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, और जब हम नीचे की ओर उतरेंगे सीढ़ियों से तो वो चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर की जो दिशा होती है वो आपकी कैसी होती है, धनात्मक, और नीचे की गहराई की ओर जब जाएंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, लेफ्ट ओर जब जाएंगे तो माइनस का, और अगर राइट हैंड पर जाएंगे तो बेटा प्लस का। ठीक है, अब जो इसका जहाँ ये मिल रहा है उसको बेटा हम लोग मान सकते हैं जीरो यानी कि शून्य। यहाँ पर लिखा क्या है, भूतल, ये जमीन का हिस्सा है, और इसे मान लीजिए आप नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपका, ये तो भाई आपका तलघर हो गया। ठीक है, ऊपर की ओर सीढ़ियाँ हैं जो छत की ओर जा रही हैं। अब हमसे कुछ पूछा जा रहा है, अगर हम देखिए क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन में क्या है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, एक क्वेश्चन है, उन्होंने ये कहा कि भूतल से 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद जो साइन लेंगे वो कौन सा लेंगे। तो ज़रा यहाँ डायग्राम पर आएँ, भूतल ये है हमारा, ठीक है ना, इससे अब 4 सीढ़ियाँ ऊपर जाने से 1, 2, 3 और ये हमारी हो गई 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम 4 लेंगे तो इसमें जो 4 सीढ़ियाँ हम चल रहे हैं, जो 4 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हमको सीखना है। तो जैसे कि हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो ऊपर का बेटा साइन जो होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ना है, 4, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस के 4, कितना लिखेंगे, प्लस का 4, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर होता है। ऐसे दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, भूतल से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद साइन क्या होगा। जरा डायग्राम पर देखते हैं, भूतल से देखिए हम 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, 1, 2 और ये हमारी हो गई 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नीचे की ओर आ रहे हैं चूँकि हम, तो जो साइन लेंगे वो हम कौन सा लेंगे, माइनस का, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, कि भूतल से 5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर पुनः 2 सीढ़ियाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 सीढ़ियाँ जो हैं और चढ़ने के बाद, यानी कि
पहले तो हमने क्या किया, 5 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़े, पुनः 2 सीढ़ियाँ और चढ़े, है ना। तो उसके बाद साइन क्या होगा, अब जरा समझिए। तो हम चढ़ कहाँ ऊपर की ओर, तो पहले हमने 5 चढ़े, यहाँ पर 5 तक चढ़े हैं, ठीक है ना। तो जो साइन होगा वो प्लस की ओर होगा क्योंकि हम चढ़ ही रहे हैं ना। फिर वो 2 सीढ़ियाँ और चढ़ गए, तो भाई और चढ़ जाने दो। तो अगला वाला जो साइन होगा वो कितना होगा, 2। तो यानी कि 5 + 2 इज इक्वल टू आपका होगा बेटा 7, यानी कि 7 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े हम, किस साइन में लेंगे, प्लस में। बस आपको इतना समझाना था इस डायग्राम में कि जब आप साइन लेंगे तो आपको कैसे लेना, जब ऊपर की ओर चढ़ रहे हो तो प्लस का साइन। अब मान लीजिए कोई 5 सीढ़ियाँ यहीं वो चढ़ते तो हम प्लस का लेते, और 2 सीढ़ियाँ यहाँ पर वो उतर जाता, तो यहाँ पर 2 हम इसमें क्या करते हैं, माइनस। तो 5 - 2 इज इक्वल टू आपका आएगा 3, यानी कि भूतल से जो उसकी दिशा है वो ऊपर की ओर होगी, है ना। और जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, प्लस 3, क्योंकि 5 वो चढ़ा था, 2 वो सीढ़ियाँ उतर गया, तो 5 - 2 कितना आया आपका, 3, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत से इजीली जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको वही बताना है, बस वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। आप उम्मीद है कि इस डायग्राम से आपको ये पता चल गया होगा कि जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस, और अगर नीचे की ओर आएंगे तो माइनस आपको लेना है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है ना। और उसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ समझाना था मुझे आपको, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ समझा रहे थे, बस आप समझ गए होंगे उम्मीद है आपको। और आपके जो नीचे वाले हैं इनका प्रयास कीजिए आप लोग कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, उसके बाद मुझे बताना। चलिए बेटा, आप देखिए यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है ना टेबल। इस टेबल में कोई दुकानदार हैं जिनका जो नाम है वो है राम प्रसाद, ठीक है। वो किसी दिन की बिक्री के लाभ हानि को तालिका बना रहे हैं, समझना बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर टेबल जो बनी है, एक तरफ लिखा है बिक्री की वस्तु, यानी कि कौन सी चीज़ हमने बेची है, फिर उस पर लाभ हुआ है या हानि हुई। देखिए दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है ना, या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब लाभ क्या होता है, मान लीजिए आप 100 रुपये की कोई चीज़ लेते हैं और अगर इससे ज़्यादा दामों पर बेचते हैं, मान लो आप 105 में बेचते हैं, तो आपने ली कितने में थी, 100 में, कितने ज़्यादा बेची, 5 में, तो ये 5 जो आएगा वो आपका होगा लाभ, ठीक है ना। मान लीजिए 100 की आपने चीज़ ली और आपने 95 की बेची या आपने 90 की बेची, तो आपको 10 रुपये का घाटा हुआ है, तो ये भाई हमारी जो थी वो हानि थी। यानी कि जो आप चीज़ लेते हैं उससे अधिक पर अगर बेचते हैं आप तो वो फ़ायदा होगा, यानी कि लाभ होगा, और उससे कम में बेचते हैं तो हानि होगी, ठीक है। अब यहाँ समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, पहले वो समझिए। देखिए टेबल में पहले लिखा है सरसों का तेल, ठीक है ना, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सरसों का तेल जो है इसमें हमें 350 रुपये का लाभ हुआ है। हानि की अगर बात की जाए तो कोई भी हानि हमें जो है वो यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है ना, इतनी समझ में आ गई। उसके बाद अगर सेकंड की बात की जाए तो मूंगफली का तेल बेचा है इन्होंने, यहाँ पर इन्हें लाभ नहीं हुआ, इन्हें क्या हुई बेटा, हानि हुई। कितने रुपए की हुई, 120 रुपए की। काली मिर्च इन्होंने बेची, ठीक है ना, और इन्हें 225 रुपए का यहाँ पर फ़ायदा हुआ, ठीक है, हानि तो होगी नहीं। हल्दी जो थी वो इन्होंने बेची 225 रुपए की, हानि नहीं हुई इनको। आटा जो था वो इन्होंने बेचा, इन्हें लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसे इन्हें क्या हुई, हानि हुई, किसको, दुकानदार जो है राम प्रसाद, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगर हम चावल की बात करें तो 331 रुपये का इन्होंने लाभ प्राप्त किया। अब हमें समझना क्या है, पहले वो समझिए। हम बस आपको साइन लेना बता रहे हैं कि अगर आपको लाभ होता है, क्या होता है लाभ, तो अगर आपको सरसों के तेल पर लाभ हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 350, क्योंकि आपको क्या हुआ है, लाभ। प्लस साइन हमेशा बढ़ोतरी के लिए होता है, यानी कि जब आपको ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हुई, धनात्मक चिन्ह जो होता है वो हमेशा चीज़ों की वृद्धि के लिए होता है। तो चूँकि आपको फ़ायदा हुई है तो यहाँ पर आप प्लस साइन ले लेंगे, और हानि को आप लोग माइनस के साइन से दर्शा सकते हैं। बस हमें यहाँ पर यह समझाना था कि लाभ हानि की अगर आप टेबल बनाते हो तो प्लस वाला जो साइन होगा वो लाभ के साथ लगेगा, और हानि वाला जो साइन होगा वो आपका नेगेटिव चिन्ह के साथ रहेगा। समझ में आ गया ना आपको, यानी कि जो लाभ हुआ इनको, अगर हम आपसे कहेंगे काली मिर्च में 225 रुपये का लाभ हुआ तो हम लिखेंगे प्लस 225, ठीक है ना। अगर हानि हुई होती तो हम लिखते हैं माइनस के 225, ठीक है ना। तो हमको ये समझना है कि लाभ हानि में अगर हम टेबल बनाने चाहें तो प्लस का जो साइन होगा वो आपका होगा लाभ के साथ, और जो माइनस का साइन होगा वो आपका हानि के साथ होगा, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं, कुछ चीज़ें और सीखते हैं। क्या सीखते हैं, यहाँ पर भारत के विभिन्न स्थान दिए गए हैं। देखिए आपको पता है कि भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा देश है। यहाँ पर हर प्रकार के मानसून, आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मानसून होते हैं जिसके आधार पर खेती बटी हुई थी, है ना। सियाचिन जो है बहुत ही ठंडा प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है। तो जब आप नीचे जाते हैं तो उसको आप किस चिन्ह में लिखेंगे, पहले तो मुझे ये बताइए। अगर आपको पीछे आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, आपने समझा होगा, तो आपको पता है जब नीचे की ओर
जो पारा जाता है, तो हम लोग कभी कभी कहते हैं जीरो जो मध्य होता है कि माइनस के 4 डिग्री सी पर यहाँ पर पारा गिर चुका है बच्चों, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही। जितना माइनस में जाएंगे ठंड जो होगा उतनी ज़्यादा पड़ेगी। इलाहाबाद की बात करें, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस के 3। क्यों? क्योंकि ऊपर है। और अगर शिमला की बात की जाए तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो यहाँ पर प्लस 10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, दिल्ली की बात की जाए तो 0 से 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। और श्रीनगर की अगर बात की जाए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। बस आप ऊपर जब आपको साइन आए तो प्लस का साइन, अगर आप नीचे लिखा हो तो आपको क्या लेना है, माइनस का साइन लेना। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर जैसे कि तापमापी है ना, टेम्परेचर आप लेंगे तो ये देखिए माइनस, माइनस का 10 यहाँ पर दिखा रहे हैं, माइनस का 20 है, माइनस का 30 है। ऊपर की ओर जब जाएंगे तो आपको क्या होगा, प्लस साइन प्राप्त होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको? मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ये आपके सिंबल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 10-10 के अंतर में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या था, ये जीरो था, ठीक है। अब अगर ऊपर की ओर जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मान लो 10 मान लिया, ये 20 मान लिया, 10-10 का अंतर ले ले रहे हैं, ठीक है, और ये 30, तो ऊपर की जो दिशा होगी वो किस रूप में आएगी, प्लस के साइन के रूप में। इतना आपको याद रखना है। तो जब ऊपर की ओर टेम्परेचर जाएगा तो प्लस के साथ, और अगर माइनस के जब होगा तो माइनस के साथ। हाँ, एक चीज़ और, प्लस अगर ये 4 लिखें तो ये प्लस के ही माने जाते हैं, लेकिन माइनस में आपको माइनस लगाना जरूरी होता है, प्लस में आप साइन लगाएं अथवा ना लगाएं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बेटा, यहाँ पर भी दिशाएं आपको दी गई हैं, ठीक है। ये आपकी ईस्ट होती है, नॉर्थ, ठीक है, ये आपकी वेस्ट होती है, और ये आपकी साउथ होती है। दिशाएं जब भी आप नक्शे को पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से आपका नक्शा होता है, यानी कि दिशा हमेशा आप ये वाली जो है वो पूरब ही मानेंगे। ये नहीं है कि आप इस दिशा में पूरब मान लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, कि ये दिशा जो होगी वो ईस्ट है, ये आपकी कौन सी होगी, वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ हो गई, और ये आपकी क्या होगी, साइड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो आप जैसे कि आप इससे समझ लीजिए कि आप ऊपर नीचे के रूप में समझ लीजिए, ऊपर की दिशा बेटा कौन सी होगी, प्लस, नीचे की कौन सी होगी, माइनस, इस दिशा में प्लस, इसकी विपरीत दिशा माइनस। तो ईस्ट दिशा में जो भी आप चलेंगे तो वो कौन से चिन्ह के साथ आएगा, प्लस के साथ, ठीक है ना। और आप वेस्ट दिशा में जाएंगे विपरीत दिशा में तो आप माइनस, ऊपर की ओर जाएंगे तो बेटा क्या होगा, प्लस, और नीचे की ओर जब आप आएंगे तो क्या होगा, आपका माइनस होगा, ठीक है। बस यही आपको समझाना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं, कुछ चीज़ें आपको सीख लीजिए। अगर हम बात करें -6 है ना, +9, -11, +12, -17, इनके पूर्णांक हैं, इनके विपरीत बताने हैं। तो -6 का जो विपरीत होगा वो प्लस का 6 होगा, क्योंकि जितनी दूरी पर -6 यहाँ है उतनी दूरी पर +6 इस दिशा में होता है, होता कि नहीं होता। तो विपरीत का बस आपको चिन्ह चेंज कर देना है, क्या कर देना है, विपरीत जो होगा वो चिन्ह चेंज। जैसे +9 का अगर हम विपरीत की बात करें, +9 का विपरीत क्या होगा, तो आप इसका साइन चेंज कर दीजिए, -9। -11 का विपरीत क्या होगा, +11, ठीक है ना। तो ये सारे आपको विपरीत आपको याद रखने हैं, ठीक है। विपरीत जब भी बताएं तो बस आप साइन को बता दीजिए। यहाँ पर लिखा क्या है वो भी जरा देखिए, कि जो प्रत्येक धन पूर्णांक जो होते हैं संगत है ना, ऋण पूर्णांक भी होता है, इन दोनों का योगफल हमेशा होता है 0, ठीक है। जैसे माइनस का 6 और प्लस का 6, जब इन्हें जोड़ेंगे 6 - 6 जाएगा कितना आएगा, 0। यानी कि जो विपरीत पूर्णांक होते हैं उनको अगर ऐड किया जाए तो उनका जो ऐड निकलता है वो कितना निकलता है बेटा, वो आपका निकलता है 0, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 0 का जो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0 ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, सवालों में आपकी यूज होगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है हमारा, 3A जो है इसके बारे में हमको जानना है। एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इस टेबल में बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, और इन नंबरों में आपको पहचान करनी है कि ये जो ब्लैंक है ना, इसमें कौन सा नंबर आ गया। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा पता करना है कि आखिर इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेबल के रूप में अध्ययन करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, +19 है, -19, यहाँ पर +23, -23, 25, -25, 29, माइनस। हमें क्या समझे कि इनका जो अंतर है, लास्ट को लास्ट से फिर एक एक अंक छोड़ के इस प्रकार से इनका जो क्रम है, तो नीचे वाले में भी हम लोग यही अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए ज़रा, 7 हो गया, यहाँ माइनस का 7 हो गया, यहाँ माइनस के सॉरी 11 हो गए, यहाँ माइनस के 11, तो यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर कितना होगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 13 होगा यहाँ पर, ठीक है ना।
क्योंकि क्रम यही तो चल रहा था ना आपका, और ये 17 होगा और यहाँ पर माइनस का 17। तो ये आपको जिस दिशा में, इस दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में यहाँ पर लौट के आ रहे हैं, वो भी विपरीत चिन्ह के साथ। यहाँ पर प्लस के हैं तो यहाँ पर काय की संख्या प्राप्त हो रही माइनस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कितना होगा बेटा, 13, यानी कि 13। ठीक है, जरा दूसरे पर गौर करते हैं, दूसरे में क्या है वो भी समझिए। दूसरे में यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये माइनस के साथ प्लस के साथ एक छोड़ के एक का आ रहा है, ध्यान रखना ये माइनस का हो गया। 13 की बात करें, एक छोड़ के 13 प्लस का प्लस के, तो ये आपके हो गया माइनस के। यानी एक छोड़ के जो एक का अंतर चल रहा है, क्या चल रहा है, एक का जो अंतर चल रहा है, जैसे इसका इसमें है ना, और इसका इसमें चल रहा है और इसका इसमें, तो वही नीचे हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वही चीज़ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका अंतर हो गया, इसका इसमें साइन हो गया, समझ लेना। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका रहेगा माइनस के यहाँ पर है ना, 11 का माइनस 11, तो यहाँ माइनस के 14 का इधर कितना होगा। यहाँ पर जो साइन होगा, यहाँ पर मैं आपको ब्रश नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन ढक जाती है, तो बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर होगा कितना। देखिए 5 5 8 8 11 11, तो यहाँ पर 14 14, लेकिन साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो बेटा आंसर क्या आएगा आपका, आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 14। ठीक है, बस आपको ऐसे ही सवालों को करना है, बस आपको लॉजिक समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला या कौन सी चीज़ें किस हिसाब से बदलाव चल रहे हैं, उसी आधार पर आपको नीचे वाले का अध्ययन करना है। ऊपर एक टेबल दी जाती है, इसका अध्ययन करके नीचे वाले में आपको फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको टेबल दी गई थी, जो संबंध ऊपर वाली राशियों का होगा वही नीचे वाले का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ध्यान रखिए आपको घर पर बहुत अच्छे से स्टडी करनी है ना। आप लोग ऑनलाइन कोशिश ये की जा रही है कि जितना बेहतर हो सके मैं उतना बेहतर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप बस चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।